Assalamu alaikum everyone, you all are watching on my own official YouTube channel Sidra Khalil. So आज मैं बात करूँगी काम को सही अंजाम देना। अब आप सोचेंगे कि काम तो सही, हम हर इंसान अपना काम सही करता होगा, बट इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसे समझने के लिए, बारीकियों को समझने के लिए हमें बेहद ज़रूरत है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहेगा। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। एक स्मॉल मैं यहाँ से कुछ पढ़ के आपको थोड़ी सी चीज़ें फिर डिस्क्राइब करने लगी हूँ। वैसे तो इंसान दिन भर में बहुत से काम इंसान की ज़िंदगी में दिन भर में बहुत से काम होते हैं, लेकिन इनका सबसे पसंदीदा काम अगर कोई उनसे पूछे तो कहना गलत नहीं होगा कि दूसरों के कामों में दखलंदाजी देना है, मतलब कि अपनी टांग बिना मतलब के दूसरों की चीज़ों में डाल देना या उड़ा देना, जबकि ये करने से दूसरों के काम बनते नहीं बल्कि बिगड़ जाते हैं। फिर ये इस बात को तस्लीम नहीं करते और अपने लिए ज़िल्लत का सबब खुद ही बनते हैं। क्या ही अचौक है अगर इस दुनिया में भेजा हुआ हर इंसान अपने काम से काम रखे, जिसका हर किसी मतलब नहीं कि वो दूसरों की मदद ना करे। असल में काम को सही अंजाम देना ही दूसरों की मदद करना करने का नाम है, लेकिन इस मदद को सिर्फ मदद की हद तक महदूद रखना, ना कि बदनीयती से दूसरों के बने बनाए हुए कामों को ख़राब कर देना। और यकीनन ये बदनीयती इनके अपने पल्ले ही पड़ जाती है। अगर इंसान इस तेज़ रफ्तारी मसरूफ ज़िंदगी में दूसरों से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान रखे और ये मान ले कि सबसे बेहतरीन अमल भी अपने हर जायज़ काम को सही और हलाल तरीके से करना है, तो इसकी ज़िंदगी की कामयाबी इससे दूर नहीं होगी, क्योंकि अपने काम से काम रखना ही ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नुस्खा है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। अब्दुल वहाब इब्ने हज़रत मौलाना यूनुस हिदरवानी। तो मैंने आपको एक छोटा सा पैरा पढ़ के सुना दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। अपने काम से हम काम नहीं रखते, हम दूसरों के कामों में काम हर वक्त टांग अड़ाते रहते हैं। यार तूने ये काम किया नहीं, यार इसको ऐसे कर लेते तो थोड़ा वैसा हो जाता। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अगर हम अपने अंदर से निकाल के कहीं फेंक दें और दूसरे की तारीफ़ कर दें, उसके काम उसने सही भी किया है तो उसमें से हम नुक्स ना निकालें। हाँ, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसकी प्यार से मदद कर लें, उसको समझा दें, ना कि नुक्स निकालें, ना कि तनकीद बांध दें कि यार तुमने ये गलत किया है, तुमने ये गलत किया है, तुम तो करते ही गलत हो। ये चीज़ें आपको अपने भी पल्ले पड़ती होंगी जितना आप दूसरों के लिए करते हो ना, बोलते हो। देखो, एक चीज़ तो तय है, अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा। सो इस वीडियो का या इस टॉपिक का मकसद सिर्फ ये है कि अपने काम से काम रखो। अगर आप अच्छा किसी के साथ कर नहीं सकते ना, तो जस्ट डू नथिंग। इफ़ यू डू नॉट प्रोवाइड एनीथिंग गुड टू एनीवन, सो जस्ट डू नथिंग एंड कीप योर शट डाउन। सीरियसली, आप अपने आप में लगे रहें, आप फिर किसी और के काम में दखलंदाजी ना दें। आजकल कहते हैं ना इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये बहुत आजकल वायरल हुए हुई ये चीज़ें, ये वर्ड्स हम बहुत सुनते हैं कि यार मैं बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी या मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो यार, या तो आप फिर इंट्रोवर्ट ही रहें, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप फिर उसको भी अपने हद तक महदूद रखें। कहते हैं ना अपने सर्कल, अपने इर्द गिर्द इंसान को देखना चाहिए, अपनी सराउंडिंग्स में देखना चाहिए। बेशक कोई एक बंदा गलत काम कर रहा है, बेहद गलत काम कर रहा है, उसको जाके प्यार से समझा दें, वो ना माने, दैट्स इट, आपका अपना काम हो गया, आपने उसको प्यार से समझा दिया, उसके सर पे सवार ना हो जाए, फिर वो जाने उसका गलत काम जाने, फिर आपका कोई ताल्लुक नहीं। आपका फ़र्ज़ नहीं है ये, आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप किसी के पीछे पड़ जाएं, आप उसको सही रास्ते पर लेकर आ जाएं, नहीं, ये आपका फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, एक अच्छी आदत है, एक अच्छी बात है, एक सुन्नत है कि कहते हैं ना कि दोस्त वही अच्छा जो भलाई के रास्ते पर ले जाए आपको। बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ इन सब चीज़ों से, और मैं मतलब हर इंसान एग्री करता है इस बात से। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपसे मदद तक नहीं लेना चाहता ना, तो आप, लेकिन आपका दिल है कि आप उसकी मदद करें। अक्सर लोग होते हैं कि वो अपने काम खुद ही करते हैं और बेशक उनसे गलती क्यों ना हो जाए, तो लेट देम डू, उन्हें करने दें, आप छोड़ दें इस बात को, लेकिन आप अपनी टांग अड़ा के उनके बने बनाए काम भी ना बिगाड़ें और अपने काम से काम रखें। सो आई गेस आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप यू गाइज ऑल लाइक द वीडियो, डू शेयर इट एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक ऑब्वियसली, एंड जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।